ये वही वक्त आ गया, आज जो दीन पर चलेगा, दाढ़ी रखेगा, अपने हमारा ईमान होता तो हम अपने औलाद को अल्लाह ताला का ईमान सिखाते। हमारा ईमान नहीं मेरे दोस्तों और साथियों, पहले उनकी पढ़ाइयों पर गौर करते हैं। लड़के और लड़की साथ पढ़ते हैं, अजी अभी तीसरी क्लास है, अजी अभी पांचवी क्लास है, अजी अभी सातवीं क्लास है। अरे जालिम, हदीस पाक है कि 7 बरस के बच्चे को गुनाह का तकाजा होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, सगा भाई सगे भाई के साथ 10 बरस के बाद न सोए, सगी बहन के साथ 10 बरस की बात न सोए। और मुफ्ती साहिबान फरमाते हैं, फितने का जमाना है, 10 बरस से पहले अपने बच्चों को अलग अलग सुनाओ। जाकर हम पूछते कहा है, हमारा बच्चा पढ़ ले, अरे तुम जो है ना सलवार कमीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये सलवार कमीज के चक्कर में अपने औलाद का मुस्तकबिल बर्बाद नहीं करना। मुस्तकबिल तू बर्बाद कर रहा है या ये बर्बाद कर रहा है? चड्डी पहना के बेटियों को भेज रहे हैं स्कूल में, चड्डी पहना के लड़कों को भेज रहे हैं, नाक से लेकर घुटने तक छुपाना फर्ज नहीं। हजरत वाला दामद बरसात उनका पोता नहीं, पड़ पोता, चड्डी पहनकर आया 3 बरस का। हजरत वाला ने फोन मिलाया, बहू को इस पर गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी पकड़ होगी कि आपके बच्चे को क्या मालूम चड्डी क्या चीज है। अगर इसकी गर्मी का इतना ख्याल है, हमें ये मेरी बात है, अगर इस गर्मी का हमें इतना ख्याल है तो हम भी चड्डियां पहने, फिर चड्डी भी क्यों पहनाते हो? बगैर ऐसे ही रखो, फिर गर्मी तो चड्डी में भी लगेगी। फिर ये अल्लाह वालों से दूरी का अजाब है कि वो जो कांटा नजर आ रहा था जिसमें केचवा लगा हुआ है, वो चमक दमक नजर आ रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्तजाफी अन दारिल गुरूर, जो दुनिया धोखे का घर है उससे वो दिल नहीं लगाता जिसका सीना अल्लाह ताला इस्लाम के लिए खोल देते हैं। फमई युरीदुल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहू लिलइस्लाम, अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कि आपने अपने बच्चे के बुनियाद में कलमा डाला, कुरान पाक डाला? जिस जो बच्चा लड़के और लड़कियों के साथ पढ़ेगा, जिसको हम इनपुट जो देंगे, फिर आउटपुट तो वही निकालेगा वो। मेरे दोस्तों और साथियों, 10-12 बरस के तो खत हमारे पास आते हैं कि हमारे फलाने लड़की से इश्क हो गया, 10-12 बरस, जो एक दो बयान सुन लिए। 12 बरस के नौजवान इसी मजलिस में बैठे हैं, इतना दिल से दुआ निकलती है, इतनी दिल से दुआ निकलती है, एक नजर खराब हुई है 12-14 बरस के लड़कों से, एक नजर खराब हुई है, 10 घंटे तक रोए। ये भी शैतान मायूस करता है कि नजर मेरे से कैसे खराब हो गई, मैंने गुनाह कैसे कर लिया, इसका मतलब ये कि मैं मासूम हो गया। गुनाह करना नहीं है, अगर हो जाए तो रो के अल्लाह को मनाना है। हमें मुफ्ती साहब पर एतमाद नहीं, हमें अपने शेख पर एतमाद नहीं, हम पूछते ही नहीं है, हमें औलाद पर एतमाद है। अरे हमसे पूछो, हमारे दोस्तों में इस 1.5 महीने में जवान नौजवान 15, 16, 17 के कब्र में लेट गए। हमने कब पढ़ाई का मना किया है? लेकिन हजरत वाला फरमाते हैं, दुनिया की पढ़ाई की बड़ी फिक्र है। अच्छा, गरीबों के बच्चे इसका मतलब पढ़ ही नहीं सकते। कराची के अंदर जो स्कूल मशहूर है 5, 6, 7, 8, 9, 10, बाकी सारी आबादी का मुस्तकबिल फेल है। सारे माँ बाप उनके दुश्मन है मेरे दोस्तों और साथियों। सारे जिंदगी दूसरे कमा लेंगे, ये बेचारे नऊज़ुबिल्लाह भूखे ही रहेंगे। याद रखना, कामयाब वो है मेरे दोस्तों और साथियों जो अल्लाह ताला की इज्जत को हासिल कर ले। अगर सारी दुनिया की दौलत मिल जाए, अल्लाह ताला की इज्जत न मिले, तो इससे बड़ा कोई मिस्कीन, यतीम और खसारे वाला कोई नहीं है। हर वक्त औलाद औलाद औलाद। अरे ये स्कूल में सलवार कमीज है, लेकिन पढ़ाई का स्टैंडर्ड कुछ नहीं है। वो कॉलेज और स्कूलों के गुलामों, ये स्कूल और कॉलेज पहले कहाँ थे? आज से 20 बरस पहले, जो 20 बरस पहले पढ़े हैं वो सब नाकाम है। ओ लेवल का पता भी नहीं है कि ओ लेवल किसे कराना चाहिए। ओ लेवल उसे कराना चाहिए जिसको बाहर मुल्क में भेजना हो, जाकर पूछो जो इसके एक्सपर्ट है इस चीज के। बाहर जाना ही नहीं मेरे दोस्तों और साथियों। हमारा फर्ज है औलाद को पढ़ाए, मना नहीं करते हम, लेकिन आप बताओ, अकलमंद आदमी जब बच्चा मासूम होता है, बोल नहीं सकता, तो अकलमंद इंसानों से क्या पहले कहलवाता है? भैया बेटो, बेटा कहो अल्लाह, भैया कहो अल्लाह जल्ल जलालहू। अल्लाह क्यों? मेरा बेटा पहला जो जुमला निकाले ना, अल्लाह निकाले जल्ल जलालहू। छोटे 5-6 बरस के बच्चे जो बयानात में आते रहते हैं, उनकी जबान पर देखो शेर क्या होता है। हजरत वाला का, अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। ये अशआर हजरत वाला ने हमें जिक्र में सिखाए हैं कि एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की पढ़ लो, किस तरह आलती पालती मारकर और ऐसे बिल्कुल सीधा बैठकर,
आलती पालती मारकर और ला इलाहा पर हल्का तसव्वुर के दिल से गुनाह सब निकल रहे हैं और दाएं तरफ झुक जाएं, जो करके देखे फिर देखे क्या दिल की कैफियत होती है। आस्ते आस्ते फिर कैफियत बनेगी हल्का सा ध्यान के दिल से सब गुनाह निकल रहे हैं। आज जब मेहमान घर में आए, बेटा यहाँ पर आओ, ठुंकल ठुंकल इस्तार सुनाओ, जरा ठुमके मारकर दिखाओ, डिस्को करके जरा खिसको दिखाओ, बेटी इधर आओ, बेटी जरा चाचा को नाच कर दिखाओ, बेटी नाच रही है, हारे है, क्या तरक्की की है, ये तरक्की है, तनज्जुल ली है मेरे दोस्तों और साथियों। बेटी का नाचना अच्छी बात है कोई, अरे उस जो ये गिटबिट गिटबिट सिखाया है, इसको कहो भाई अपने बेटे को तीसरा कलमा कहो सुनाओ, दूसरा कलमा सुनाओ। का हकीकत है, एक आदमी तो थोड़ा समझदार था, का बेटा कलमा सुनाओ, का कलमा 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 है, ओ भाई अव्वल कलमा सुनाओ ना, अव्वल कलमा अव्वल कलमा अव्वल कलमा, भाग गया। अम्मा अब्बा कह रहे बेचारा इस वक्त प्रेशर में था इसलिए भूल गया, पता नहीं कौन सा प्रेशर था, कहां से आया कहां निकल गया। ये औलाद का हमसे सवाल नहीं होगा, हजरत मुजद्दिद की किताब नहीं है औलाद की परवरिश, क्या इतने मुफ्ती साहिबान और उलमा नहीं है? अल्लाह हमसे हमारा नहीं पूछेंगे, अल्लाह ताला नहीं पूछेंगे कि ये औलाद तुम्हें मैंने दी थी या तुम्हारी अपनी थी, या अल्लाह ताला आपने दी थी? तो मेरा तरीका, जब हमारे कितने दोस्त इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, एक कोई गवाही दे दे कि हमारे शेख ने हमें पढ़ने से मना किया हो, एक अभी इजाजत है खड़ा होकर बता दे कि शेख ने पढ़ने से हमको मना किया है, किसी एक को मना नहीं किया। ये जरूर कहा है कि बेटा इंजीनियर बन, अल्लाह वाला बन, डॉक्टर बन, अल्लाह वाला बन, दुनियादार न बन। जितने आप सोचो, जितने सालों से ये स्कूल आए हुए हैं, जो चाहे पैसा न भी हो, सूद पर लो, लेकिन पढ़ाना है, हमारा बेटा डिप्रेस हो जाएगा। अरे खड़ा होकर एक हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक गांव वाला आया, कहा हजरत जी मेरा बच्चा विलायत गए, वहां से वापस आ गए, बड़ी तरक्की करिए जी। तो हजरत मुजद्दिद ने फरमाया भाई क्या आपके बेटे ने तरक्की की है? कहा हजरत जी मेरे बेटे ने इतनी तरक्की की है खड़ा होकर मुंह मारे, हजरत जी मेरे बेटे ने इतनी तरक्की की है खड़ा होकर मुंह मारे, हालांकि सबसे पहले पेशाब का हिसाब किताब होगा शीटों का, हजरत जी बड़ी तरक्की है खड़ा होकर मुंह मारे,